चलिए दोस्तों, इस जो है क्वेश्चन पेपर की सीरीज को हम जो है आगे बढ़ाते हैं। पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हमने जो है ये क्वेश्चन पेपर करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि अक्टूबर 2022 का था। करीबन हमने 21 क्वेश्चन जो है इसके अंदर कर लिए थे। अब हम जो है उसी को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो है ये हमारा जो है उसका पार्ट फोर्थ है। इसके अंदर हम जो है ट्रेडिंग पीएनएल और एनपीओ, जिसमें चूजिंग आती है, वो क्वेश्चन जो है हम इसको वीडियो में अंदर करेंगे। ठीक है, तो बता दूं, हमारा जो है क्वेश्चन पेपर चल रहा है अक्टूबर 2022 फॉर अप्रैल 2023 एग्जाम प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, लेटेस्ट हमारा क्वेश्चन पेपर है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर ले। क्वेश्चन नंबर 21 मैं एक बार देख लेता हूँ, वहां से हम जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी 21 नहीं, क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 12 से हम जो है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। उसको आप जो है खोल लीजिए। चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पेज नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है जी, उसको हम जो है कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें ट्रेडिंग पीएनएल और एमपीओ के क्वेश्चन होंगे। ठीक है भाई, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले जो मॉड्यूल से, ट्रेडिंग पीएनएल वाले क्वेश्चन से और एनपीओ में, इन दोनों में हमेशा चूजिंग बनेगी आपकी, और ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का हमेशा बनेगा। हमेशा आपका 10 मार्क्स का बनेगा और इन दोनों में चूजिंग आएगी हमेशा। अगर आपको ट्रेडिंग पीएनएल आता है तो आप ट्रेडिंग पीएनएल करेंगे, और अगर नहीं आता है तो आपको चूजिंग में एनपीओ मिलेगा और एनपीओ करेंगे। दोनों चैप्टर मैंने आपको करा रखे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और दोनों की एडजस्टमेंट लगभग हमारी जो है सेम होती है, बट कुछ थोड़ा सा फर्क आ जाता है, वो मैंने आपको बता रखा है। एनपीओ में हमारी थोड़ी सी कम एडजस्टमेंट होती है, वो भी मैंने आपको जो है बता रखी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 निकाल लीजिए, उसको देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ स्वाति, स्वाति एक हमारी ट्रेडर है, उसकी हमें जो है ट्रायल बैलेंस हमें दे रखा है, और हमें बनाना है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2022 एंड अ बैलेंस शीट एज एट मार्च 31, 2022। हमें बैलेंस शीट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, जिसका फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना लिया है। ये हमारा डेबिट साइड है जहाँ पे खर्चे आएंगे, ये हमारी क्रेडिट साइड है जहाँ पे एक्सपेंसेस आएंगे। ऊपर हम क्या लिखते हैं भाई, हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। मार्च 31, 2022। ठीक है जी, ये हम जो है बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और बैलेंस शीट भी बना रहे हैं। लाइबिलिटीज और एसेट्स लिखी है, लिखेंगे कि बैलेंस शीट बना रहे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट लिख रहा हूँ, उसका फॉर्मेट मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कि हम क्या लिखेंगे, एज ऑन मार्च 31, या फिर अगर ट्रेडर का नाम है तो बैलेंस शीट ऑफ स्वाति एज ऑन मार्च 31। ठीक है जी, चलिए। ट्रायल बैलेंस में, डेबिट बैलेंस में हमारे जो है या तो वो एक्सपेंस होंगे, या तो हमारे एसेट्स होंगे, और क्रेडिट साइड में या तो हमारी इनकम होगी या तो हमारी लाइबिलिटी होगी, जो कि ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, मैं यही समझूंगा कि आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाना आता है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। सबसे पहले हमें गिवन है स्वाति कैपिटल, जो कि बिजनेस की लाइबिलिटी है, तो यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे कि भाई कैपिटल है, और ये हमेशा इनर कॉलम में आएगी क्योंकि इसके अंदर हमेशा एडजस्टमेंट होती है नेट प्रॉफिट की या फिर नेट लॉस की, 1 लाख रुपीज़। फिर है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमारे जो है कैपिटल में से माइनस होती हैं, तो माइनस कर देंगे ड्राइंग्स, जो कि होंगी 24,000। ठीक है, और अगर 1 लाख रुपए में से 24,000 माइनस कर देते हैं तो 76,000 हमारे जो है बचता है। चलिए आगे है प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है जी, एक बार क्वेश्चन को करने से पहले नीचे एडजस्टमेंट देख लो और उस पर टिक लगा लो कि किस किस पे एडजस्टमेंट है, और उसका अमाउंट हम जो है इनर कॉलम पे डालेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक छोड़ दो उसको। बैड डेट हमारे जो है डेटर पे ट्रांजैक्शन होती है, सॉरी डेटर पे हमारी जो है वो एडजस्टमेंट होती है, तो डेटर पे टिक लगा लीजिए, उसका अमाउंट हम इनर कॉलम के अंदर डालेंगे। प्रोविजन ये भी डेटर पे होगा। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी पे भी टिक लगा लीजिए, उसका अमाउंट इनर कॉलम पे डालेंगे। इंश्योरेंस प्रीपेड, उस पर भी आप टिक लगा लीजिए, इंश्योरेंस पे उसका अमाउंट हम जो है इनर कॉलम पे डालेंगे। चलिए थर्ड नंबर की एंट्री पे थे हम, प्लांट एंड मशीनरी टिक लगा हुआ है, तो प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट है, इनर कॉलम पे आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी लिख देता हूँ यहाँ पे, और इनर कॉलम में इसका अमाउंट लिख देता हूँ 45,000। चलिए आगे, स्टॉक एज ऑन अप्रैल 1, 2021, तो भैया ओपनिंग स्टॉक है, तो पहली एंट्री होगी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की टू ओपनिंग स्टॉक,
और ये ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 25,000 का है। चलिए फिर गिवन है परचेजेस, ये दूसरी एंट्री है हमारी ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट की। तो टू परचेजेस डालने से पहले देख लीजिए कोई रिटर्न तो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रिटर्न इनवर्ड गेन है, आउटवर्ड तो है ही नहीं, तो बस फिर बारी डालेंगे 1,09,500 रुपये। चलिए फिर है रिटर्न इनवर्ड जो कि सेल्स रिटर्न है, पहले सेल्स आने दीजिए फिर हम रिटर्न माइनस कर देंगे। सन्ड्री डेटर बिजनेस का एसेट है, थोड़ा सा लाइन छोड़ देंगे यहाँ पे, सन्ड्री डेटर लिख देंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है और डेटर पे भी एडजस्टमेंट है, 24,600 हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए आगे आगे हमें जो है गिवन है फ्रेट एंड ड्यूटी जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहाँ पे लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में फ्रेट एंड ड्यूटी, और इसका जो अमाउंट हमें गिवन है फ्रेट एंड ड्यूटी का वह है 2,000 रुपीज। चलिए आगे कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड हमारा जो है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है बट कैरेज आउटवर्ड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। टू कैरेज आउटवर्ड और कैरेज आउटवर्ड का अमाउंट जो है वो 3,400 है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ रेंट लिख रहा हूँ ठीक है, और रेंट जो है वो 3,000 का है। आगे हमें क्रेडिट साइड गिवन है सन्ड्री क्रेडिटर जो कि बिजनेस की लायबिलिटी हमें पता है, यहाँ पे लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट जो है वो 33,500 है ठीक है। चलिए फिर है सेल्स, सेल्स हमारी डायरेक्ट इनकम है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स, और हमने देखा यहाँ पे रिटर्न भी था इसका, तो रिटर्न हम जो है माइनस कर देंगे। 1,35,000 हमारा जो है टोटल सेल्स है जिसमें से माइनस कर देंगे रिटर्न, और रिटर्न है इसकी 5,000 रुपीज़ की, तो नेट सेल्स हमारी 1,30,000 की बनी। चलिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 600 रुपये, ये ओल्ड प्रोविजन है मैं पता है, इसको हम जो है अभी फिलहाल होल्ड करते हैं, आगे जाके इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम चलिए यहाँ पे डाल देते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, और इस पे ऊपर भी हमारी एडजस्टमेंट है 900 रुपीज़ यहीं पे डाल देते हैं एडजस्टमेंट के अंदर। चलिए कैश इन हैंड एसेट है बिजनेस का, कैश इन हैंड और वो हमारा है 62,000, और कैश एट बैंक भी इसके नीचे है, ये भी बिजनेस का एसेट है, और 20,500 हमारी जो है एंट्री है इसके अंदर। चलिए अब एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑन March 31, 2020 वॉज वैल्यूड एट 34,000, भैया क्लोजिंग स्टॉक हमें दे दिया, दो जगह आएगा क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर और बैलेंस शीट के अंदर, यहाँ तक मैं जो है ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ। चलिए यहाँ लिख रहा हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक 34,000 और बैलेंस शीट के अंदर डाल रहा हूँ मैं क्लोजिंग स्टॉक 34,000। आगे हमें गिवन है राइट ऑफ 600 एज बैड डेट्स, हमें जो है राइट ऑफ करने हैं 600 बैड डेट्स हो गए भाई, तो ये डेटर में से माइनस होते हैं, माइनस कर दो क्या हो गया बैड डेट्स हो गया 600, तो 24,000 के हमारे पास ओरिजिनल डेटर बचे ठीक है, और यहाँ पे पीएनएल में चला जाएगा बैड डेट्स, टू बैड डेट्स। देखो भाई बैड डेट्स और प्रोविजन को मिला के अगर अमाउंट बड़ा आ रहा है तो ओल्ड प्रोविजन यहीं से ही माइनस हो जाएगा, और अगर इन दोनों का अमाउंट ओल्ड प्रोविजन से छोटा आ रहा है तो भैया ये पहले ओल्ड प्रोविजन यहाँ पे आएगा और ये बैड डेट्स और प्रोविजन यहाँ से माइनस हो जाएंगे क्रेडिट साइड से, ये ऑलरेडी सिखा चुका हूँ ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, अगर आया तो देखा जाएगा बैड डेट्स कितने के हैं भाई, एडजस्टमेंट में ही मैं लिख देता हूँ इसको, बैड डेट्स यहाँ से मेरे निकले 600 रुपये, थोड़ा सा ना मैं लाइन छोड़ देता हूँ क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम की भी थी ना यहाँ पे, बैड डेट्स 600 ठीक है जी। चलो आगे लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर, 5% डेटर पे हमारी जो है प्रोविजन बनाना है। देखो भाई यहाँ तो बैड डेट्स के एडजस्टमेंट पहले थी तो हमने माइनस कर दिया, 24,000 में पता लग गया कि हमारे डेटर है, लेकिन मान लो बैड डेट्स की ट्रांजैक्शन या फिर एडजस्टमेंट बाद में आए तो भैया पहले बैड डेट्स माइनस कर देना, क्योंकि प्रोविजन हमेशा ओरिजिनल डेटर पे बनाया जाता है कि हमारे नेट डेटर कितने हैं, तो भैया बैड डेट्स की ट्रांजैक्शन अगर बाद में आई तो पहले माइनस कर देना ओरिजिनल डेटर निकालने के लिए। यहाँ तो हमें चलो पता लग गए 24,000 का 5% 1,200 होता है, एक बार फिर भी देख लेते हैं 1,200 ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,200 माइनस कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा नेट 22,800 रुपये ठीक है। चलिए अब इसके अंदर यहाँ पे वैसे ही ऐड हो जाएगा,
न्यू प्रोविजन लिख देता हूँ यहाँ पे, न्यू प्रोविजन जो कि 1200 का बना और टोटल यहाँ पे ये हो गया 1800 रुपये। अब ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट अगर इससे बड़ा हुआ तो भैया सारी एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड होगी, छोटा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर देखो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 600 रुपीज़ है, तो भैया बहुत छोटा अमाउंट है ये, तो माइनस कर देंगे ये सही ओल्ड प्रोविजन। ये ऑलरेडी एडजस्टमेंट सिखा चुका हूँ मैं आपको, 600 रुपये माइनस कर देंगे यहाँ से और नेट हमारा यहाँ पे बचा 1200 रुपये। ठीक है जी, नहीं तो आप साथ सीधा इस ओल्ड प्रोविजन को क्रेडिट साइड भी डाल सकते हो और इन दोनों को यहाँ पे ऐड करो या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है, ये करोगे तो थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा, हो सकता है एग्जाम में ज़्यादा नंबर दे दे आपको। आगे लिखा हुआ है कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 20%, हमें प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है 20%। आगे और पढ़ लेते हैं, अ मशीन कॉस्टिंग 1500 वॉज परचेज ऑन 1st October 2021। यहाँ पे एक थोड़ा सीक्वेंस आ गया, देखो क्वेश्चन के अंदर हो सकता है यहाँ पे फंस सकते हो आप लोग। इसके अंदर लिखा हुआ है अ मशीन कॉस्टिंग, कॉस्टिंग जब भी लिखा हो तो ये जान लेना कि भैया वो वैल्यू इसके अंदर ऐड है पहले से ही, इसके अंदर से एक कॉस्ट निकाल के आपको बता रहा है। क्या बोल रहा है कि भैया ये जो 45,000 रुपये की मशीन है ना, इसके अंदर ही एक 1500 रुपये की कॉस्ट की एक और मशीन है। ये टोटल मशीन की वैल्यू आपको बता रहा है, मतलब सारी मशीन की वैल्यू जोड़ के इसने दे दी, प्लांट एंड मशीनरी 45,000 रुपये की है। बोल रहा है इसके अंदर ही, कॉस्टिंग वर्ड आ गया ना, तो इसके अंदर ही एक 1500 रुपये की मशीन है जो कि कब खरीदी गई है, October 1st 2021 को खरीदी गई है। बस ये आपको इसने इंफॉर्मेशन दे दी, तो इसका मतलब यही बोल रहा है कि अब डेप्रिसिएशन सही से निकालना भाई। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन निकलेगा कैसे, वर्किंग नोट बनाएंगे, भाई बोलेंगे वर्किंग नोट नंबर 1 बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसके अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं आपको, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। चलिए सबसे पहले देखेंगे इस 45,000 रुपये में से 1500 हटा दो, क्योंकि ये तो दूसरी फिर अक्टूबर को हमने खरीदी थी ना, तो 45,000 रुपये में से हम क्या करेंगे 1500 हटा देंगे, तो ये आ जाएगा 43,500। ठीक है, 43,500 आ जाएगा, ये तो पूरे साल में हमने खरीदी और ये 1500 को हमने अक्टूबर में खरीदा, तो भैया इसको तो पूरे साल का ही लगाएंगे 20%, लेकिन इसका पूरे साल का नहीं लगाएंगे 1500 का, 20/100 इसका लगाएंगे हम, अक्टूबर 21 को खरीदी है ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का लगाएंगे, तो into 6/12 इन दोनों को आप जोड़ दो। चलिए सबसे पहले 43,500 का 20% निकालूं तो 8700 बन रहा है और इसका बन जाएगा हमारा 300 और 300 से 150। ठीक है, और ये हो जाएगा 8850, ये डेप्रिसिएशन हमारा टोटल निकला। इसमें फंस सकते थे आप, ठीक है, कॉस्टिंग लिखा हुआ था तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना निकला 8850। चलो जी माइनस कर दो, डेप कैसे निकला भाई, वर्किंग नोट नंबर 1 से निकला, देख लीजिए 8850। और अगर मैं 45,000 रुपये में से 8850 माइनस कर दूँ तो 36,150 निकल रहा है, और वही डेप्रिसिएशन यहाँ पे भी डाल दूंगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जो कि वर्किंग नोट नंबर 1 से निकला 8850। ठीक है जी, चलिए हो गई डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट। आगे लिखा हुआ इंश्योरेंस प्रीपेड वॉज 250, भी एक प्रीपेड इंश्योरेंस था एडवांस, तो इसमें से माइनस कर देंगे, लिख देंगे भी एडवांस है तो यहाँ पे नहीं आएगा, और 250 रुपये का एडवांस है, तो 650 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, और इसको एसेट में ट्रांसफर कर देंगे, क्या लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 250 रुपये। ठीक है जी, चलिए अब और कुछ भी नहीं करना, सारी एडजस्टमेंट खत्म, बस कैलकुलेशन कर लो, और कैलकुलेशन में कर लेता हूँ, देखता हूँ मेरी बैलेंस शीट मैच हो रही है कि नहीं। क्या करेंगे कैलकुलेशन में, या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा या ग्रॉस लॉस, ट्रांसफर कर देंगे,
या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस, उसको ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट को करेंगे मैच। चलिए मैं कर दे रहा हूँ, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट निकला है 27,500, इसको मैं ट्रांसफर कर दूँ। 10,400 मेरा जो है नेट प्रॉफिट निकला है, और इसमें ऐड कर दूंगा मैं नेट प्रॉफिट 10,400। चलिए ये हो जाएगा 86,400, और बैलेंस शीट का टोटल अगर मैं करूँ यहाँ पे तो 33,500 ऐड करके 119,500 आ गया यहाँ पे। अब एसेट साइड भी यही होना चाहिए, करके देख लेते हैं। 119,500 तो मतलब बैलेंस शीट भी हमारी मैच होगी और हमने ट्रेडिंग पीएनएल बिल्कुल ठीक किया। 10 मार्क्स आपको इसके मिल जाएंगे अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो। हो सकता था इसमें डेप्रिसिएशन में आप फंस सकते थे, और मैंने आपको बता दिया डेप्रिसिएशन में इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। बाकी सारी ट्रीटमेंट मैंने एडजस्टमेंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ऑलरेडी समझा रखी है। मेरी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 22 का जो है और हम कर लेते हैं, जो कि पेज नंबर 14 पे हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 22 का और जिसके अंदर एनपीओ में से हमारा क्वेश्चन बना है, उसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट हमें बनानी होती है। आपको पता है बैलेंस शीट इसके अंदर दो बनती है, एक तो बैलेंस शीट ओपनिंग की और दूसरी बैलेंस शीट हमारी क्लोजिंग की। मैं यहाँ पे रफ में लिख रहा हूँ, आपको जो है डेट बदल के लिखनी है, जो कि ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ आपको। ये हमारी क्लोजिंग की बैलेंस शीट होती है, एडजस्टमेंट सारी हमारी क्लोजिंग की बैलेंस शीट में होती है, क्योंकि यही हमारी रियल बैलेंस शीट होती है। ये तो भैया हमें इसमें से बस कैपिटल निकालनी होती है, तो हम इसका यूज़ करते हैं एज अ वर्किंग नोट। ठीक है, और ये बनानी भी हमें वर्किंग नोट के अंदर है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजीव हेल्थ सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड मार्च 21। बस ये राजीव सोसाइटी हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में इसका नाम यूज़ करेंगे, और हमें जो है रिसीव एंड पेमेंट इसका गिवन है। नीचे कुछ हमारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, जो कि हमारी एडजस्टमेंट है, एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हम टिक लगा सकें। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो भैया सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, बस यहीं तक हमें पढ़ना है। सब्सक्रिप्शन पे टिक लगा लीजिए, उसका अमाउंट हम इनर कॉलम के अंदर डालेंगे। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव, भैया इंटरेस्ट रिसीट साइड देखो, इंटरेस्ट रिसीव है उस पर टिक लगा लीजिए, उस पर भी एडजस्टमेंट है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सैलरीज देखो पेमेंट साइड में फर्स्ट एंट्री है, उस पर टिक लगा लीजिए, एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। डेप्रिसिएशन प्रोविडेंट ऑन मोटर वैन, मोटर वैन देख लो पेमेंट साइड में हमें जो है गिवन होगी, हाँ, बाय एक्सपेंस ऑन मोटर वैन 3,000। देखो मोटर वैन एसेट पे एक्सपेंस हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस पे टिक लगा लीजिए, इसका अमाउंट हम जो है इनर कॉलम में लिखेंगे। चलिए भाई, एनपीओ में ना खास हमें जो है एक्सपेंडिचर्स का ध्यान रखना होता है। जो भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स होंगी, वो वही सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगी, बाकी नहीं जाएंगी। कैपिटल रिसीट हुआ तो लायबिलिटी हुआ, वो लायबिलिटी साइड जाएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ तो वो भैया एक्सपेंस है हमारा, सॉरी एसेट है हमारे, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा एसेट को एक्वायर करने के लिए खरीदे जाते हैं और करे जाते हैं, तो हमारे एसेट साइड में आ जाएंगे। इसका हमें जो है एनपीओ में खास ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। रिसीट साइड हम जो है पहले करते हैं, लिखा हुआ है टू बैलेंस बीडी। रिसीट साइड का बीडी जो होता है वो कैश को बैलेंस को दर्शाता है, और ये बीडी ओपनिंग बैलेंस है, तो भैया ओपनिंग की बैलेंस शीट में आ जाएगा कैश साइड, क्योंकि कैश असेट है और यहाँ पे हमारे पास कैश जो है वो 18,000 है। चलिए आगे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमारी जो है बार बार हमें मिलती रहती है, तो रेवेन्यू रिसीट है हमारी, यहाँ पे लिख देंगे इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन, और इस पे हमारी एडजस्टमेंट है, तो इसका अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे, और इसका अमाउंट जो है वो 7,000 है, तो इनर कॉलम में आ जाएगा। चलिए एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस भी हमें बार बार मिलती रहती है जब एक पार्टनर एडमिशन लेता है, तो एंट्रेंस फीस भी हमारी जो है इनकम कौन सी है, रेवेन्यू वाली है, तो एंट्रेंस फीस। फिर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से भी ग्रांट एनपीओ को बार बार मिलता रहता है, रेवेन्यू है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट आ जाएगा, और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से इसमें कैपिटल है और कौन कौन सी रेवेन्यू है, जब आपने मेरे साथ अगर वीडियो देखी होगी तो। 40,000 टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, भैया स्पेसिफिक डोनेशन जो होती है ना वो हमारी कैपिटल रिसीट होती है, रेवेन्यू रिसीट नहीं होती।
ये स्पेसिफिक बता दिया गया है कि बिल्डिंग के लिए है भाई, तो ये जो डोनेशन है ना हमारी, ये लायबिलिटी है और हमेशा क्लोजिंग में जाएगी भाई ये, क्योंकि मेन बैलेंस शीट हमारी क्लोजिंग है। वो तो हमें बीडी बैलेंस तो बता दिया गया था ओपनिंग है, लेकिन मेन बैलेंस शीट हमारी क्लोजिंग है। यहाँ पे लिखा जाएगा डोनेशन फॉर बिल्डिंग और वो आ जाएगा 25,000। और मान लो अगर कोई जनरल डोनेशन होती है, ऐसी डोनेशन आती तो वो तो आती रहती है, रेवेन्यू रिसीट बन जाती है। स्पेसिफिक लेकिन हमारी क्या बन जाएगी, वो तो हमारी फिर कैपिटल नेचर की बन जाएगी ना, और कैपिटल नेचर तो लायबिलिटी होती है। कैपिटल रिसीट टू सेल ऑफ फर्नीचर, 1800 रुपये में हमने फर्नीचर को बेच दिया, और नीचे एडजस्टमेंट में देखो बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 2000, उसकी बुक वैल्यू क्या थी 2000 की, उसकी बुक वैल्यू थी और 1800 रुपये में बेच दिया, 2000 की चीज़ 1800 में बेच दी, तो यहाँ तो लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो भैया फिर एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ध्यान रख लेना ये नीचे देखो एडजस्टमेंट में बुक वैल्यू गिवन थी, तो ये एक दूसरी जगह पे भी आ जाएगा, फर्नीचर में से हटा देना कि हमने बेचा है 2000 रुपये का, तो ये 200 रुपये का उसमें लॉस हुआ है, लॉस तो यहाँ पे डाल दिया, लेकिन फर्नीचर बेचा है तो वो बैलेंस शीट से माइनस भी कर देना, क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट की तरह में गिवन है बुक वैल्यू। ठीक है जी, आगे लिखा हुआ इंटरेस्ट रिसीव, हमें जो है इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे इनकम साइड में इंटरेस्ट रिसीव, लेकिन इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो हम 2800 रुपये इनर कॉलम के अंदर डाल देंगे। रिसीट साइड हमारी ख़त्म। अब आते हैं पेमेंट साइड में, सैलरीज ये तो आती रहती है भाई, हम पेमेंट करते रहते हैं तो सैलरीज यहाँ पे डाल देंगे, और इसके ऊपर हमारा जो है एडजस्टमेंट है 12,000 रुपये। रेंट भी नॉर्मल है हमारी, रेवेन्यू आइटम है 6,000। लॉन्ड्री चार्जेस रेवेन्यू है, छोटे मोटे एक्सपेंस सारे रेवेन्यू होंगे 4,000। आगे लिखा है टू एक्सपेंस ऑन मोटर वैन, भैया मोटर वैन हमने खरीद ली, बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर किया है, एसेट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है भैया, एसेट एक्वायर किया है, तो यहाँ पे लिख देंगे मोटर वैन मेन बैलेंस शीट के अंदर, मोटर वैन भाई, मोटर वैन हमने परचेस किया, और इस पर देखो टिक लगा हुआ है 3000, तो इनर कॉलम के अंदर लिख देंगे। चलिए आगे लिखा है कि ड्रग्स एंड इंसिडेंटल चार्जेस, भैया ड्रग और इंसिडेंटल चार्जेस ये तो इस पे तो एनपीओ काम करता रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू ड्रग्स एंड इंसिडेंटल चार्जेस, $13,600। ठीक है जी, चलिए ठीक है। फिर लिखा हुआ है बाय वैन, भैया वैन पे एक और 50,000 रुपये का, ये मेन वैन पे 50 का हमने जो है खर्चा किया था, तो इसी के अंदर ही हमें ऐड कर देंगे परचेस, मान लो ठीक है 50,000, चाहे अलग से लिखो चाहे इसके अंदर ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया क्योंकि मेन खर्चा 50 का ये था वैन के ऊपर, ये तो हमने एक्सपेंसिस पे कर दिया, तो इसी के अंदर ऐड हो जाता। चलिए फिर लिखा हुआ है बैलेंस शीट ही, तो भैया ये हमारी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, तो क्लोजिंग की बैलेंस शीट में आ जाएगा कैश, और ये जो आ जाएगा 7400। ठीक है जी, चलिए अब एडजस्टमेंट कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022, पहले इसको पढ़ लो भाई, हमारी एक सब्सक्रिप्शन है जो कि आउटस्टैंडिंग थी मार्च 2022 की, करंट ईयर से रिलेट कर रही है तो ऐड कर देना, नहीं तो हटा देना, मार्च 2022 भाई करंट ईयर ही तो है, ये मार्च 31, 2022 करंट ईयर है, और ये आउटस्टैंडिंग एंडिंग है तो ऐड कर देंगे, ये यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्या लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मार्च 2022, ठीक है, और कितनी है ये वेयर 1500, और ये एंडिंग की है, एंडिंग की है तो एंडिंग की बैलेंस शीट में जाएगी, और एक जब इनकम आउटस्टैंडिंग होती है ना तो वो हमें मिलनी होती, तो एसेट है तो ये एंडिंग की बैलेंस शीट में चले जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है 1500। चलो जी एक तो हो गई, दूसरा देख लेते हैं, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2021, एडवांस सब्सक्रिप्शन हमने जो है रिसीव मिल गई थी हमें 31 मार्च 2021 को, तो ये तो भैया पिछला साल हो गया, पिछले साल हमने एडवांस दी थी, तो किस साल के लिए दिया होगा 2022 के लिए दिया होगा, तो ये भी तो करंट ईयर से रिलेट कर रही है, और ये एडवांस बिगनिंग हो गया, और एडवांस बिगनिंग तो ऐड होता है, तो ये यहाँ पे ऐड कर देंगे एडवांस बिगनिंग वाली, ये जो है सब्सक्रिप्शन है हमारी, और इसका जो अमाउंट है यहाँ पे वह है 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़,
और इनकम जब हमें एडवांस में मिलती है ना भाई, वो बिजनेस के लिए या किसी एनजीओ के लिए भी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि उस पर हमारा हक नहीं है। और ये बिगनिंग है तो बिगनिंग की बेनिफिट में जाएगी, क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन एडवांस या एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितनी, 1,000 रुपीज़। बिगनिंग है तो बिगनिंग की लाइबिलिटी में जाएगी, क्लोजिंग होती तो क्लोजिंग की में जाती। ये होता है बिगनिंग और क्लोजिंग का अंतर। ठीक है जी, चलो एक हो गई। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव, इंटरेस्ट जो है वो एक्रू, मान लो हमने कमा लिया लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो भैया रिसीव तो आगे जाके होगा, ऐड कर दो, इनकम तो हो रही है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट। और वो अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट जो है वो 600 रुपये का अमाउंट है यहाँ पे हमारा, ठीक है। और 2,800 में अगर हम 600 ऐड कर देंगे, 3,400 रुपये हमारा जो है यहाँ पे बनेगा, और ये एसेट हो गया हमारा। और मेन एडजस्टमेंट तो हमारी मेन बैलेंस शीट में जाएगी, तो यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट लिख देना भाई, 600 रुपये। ठीक है, चलिए अगे लिखा हुआ सैलरीज आउटस्टैंडिंग मार्च 31, 2022, भैया एंडिंग है तो ये ऐड हो जाएगी यहाँ पे, ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, एंडिंग है ये हमारी। और यहाँ पे अगर ऐड कितना अमाउंट हम करेंगे, 1,200 रुपये का अमाउंट करेंगे, 12,000 में 1,200 का अमाउंट ऐड करेंगे तो 13,200 हो जाएगा। और एक एक्सपेंस जब आउटस्टैंडिंग होता है ना भाई, तो वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हमें पे करना होता है, और ये एंडिंग की बैलेंस शीट में चला जाएगा। क्या लिखेंगे, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, और सैलरीज आउटस्टैंडिंग हमारे 1,200 रुपये हैं। चलो हो गया ये। फिर कहा डेप्रिसिएशन 20% प्रोवाइडेड ऑन मोटर वैन, मोटर वैन पे जो है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है हमें 10%, सॉरी 20%। चलिए जी, अब मोटर वैन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 53,000 की वैल्यू है मोटर वैन की, देख लो 53,000 की, उस पर 20% लगाना है हमें, तो into 20/100, क्योंकि दोनों ही हमारे सेम डेट को हुई है। 53,000 का 20% अगर मैं निकालूँ तो 10,600 रुपये बनता है, यही डेप्रिसिएशन लगाना है हमें, तो यहाँ से डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देंगे, माइनस डेप्रिसिएशन 10,600। ठीक है, और फर्नीचर हमें यहाँ पे गिवन नहीं था, है ना, फर्नीचर यहाँ पे गिवन नहीं था, नहीं तो हम फर्नीचर का भी एंट्री कर लेते, फर्नीचर यहाँ पे गिवन नहीं है। या तो ये हो सकता है कि वैन हमारे जो है फर्नीचर हो, ये मिसप्रिंट हो। चलो एक बार करके देख लेते, अगर आंसर नहीं आया तो मैं बता दूंगा आपको किस किस तरीके से करना है। चलिए 10,600 अगर मैं माइनस कर दूँ, 53,000 माइनस 10,600, तो ये बन जाएगा 42,400। ठीक है भाई, ये हमारे नेट वैल्यू होगी, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन डाल दूंगा मैं, टू डेप ऑन मोटर वैन 10,600। ठीक है जी, दोनों को ऐड करके मैंने डेप्रिसिएशन निकाल लिया पूरी एसेट की वैल्यू में। अब इसमें हो सकता है कि या तो ये जो वैन का आपको दे रखा था ना, ये फर्नीचर हो, मिसप्रिंट हो सकता है भाई, एनआईएस में तो होता ही है, बट फिर भी अगर आंसर में मिसमैच आता है तो मैं करके एक बार आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से फिर से किया जाएगा। चलिए डेप्रिसिएशन की हमारी लास्ट एडजस्टमेंट थी। चलिए अब या तो सरप्लस डेफिसिट निकालना बाकी है और बैलेंस शीट को मैच करना बाकी है, एक बार उसको भी कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन को टोटल करूं यहाँ पे मैं, 7,000 रुपये में मैं प्लस कर दूंगा 2,500 रुपये जो कि फर्स्ट टू एंट्रीज हैं, तो 9,500 आ जाएगा। ठीक है जी, और किसी को ऐड करना बाकी नहीं है। चलिए 6,700 का सरप्लस आ रहा है, टू सरप्लस। ठीक है जी, चलिए अब कैपिटल निकाल लेते हैं, 18,000 रुपये का कैश है, जिसमें से एक माइनस करो तो 17,000 रुपये की कैपिटल आ जाएगी, और ये कैपिटल यहाँ पे ट्रांसफर करो 17,000, और उसमें से सरप्लस ऐड कर दो जो कि 6,700 है, और यहाँ पे 17,000 रुपये में मैं 6,700 ऐड कर दूँ तो 23,700। ठीक है जी, प्लस 1,200 प्लस 25,000 तो यार है 49,900। ठीक है जी, मुझे लग नहीं रहा कि मैच हो जाए, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं, मैच नहीं होगा। 42,400 प्लस 7,400,
1500 और 1600 42,400, मुझे लग नहीं रहा है कि ये मैच हो जाए। 7400 प्लस 1500 प्लस 600 यहाँ पे आ रहा है 51,900, ठीक है, और वहाँ है 49,900, 2000 रुपीज़ का मिसमैच आ रहा है लेबरिटी साइड में, 2000 रुपीज़ का मिसमैच आ रहा है भाई। ये 2000 का मिसमैच बुक वैल्यू 2000 रुपीज़ सेल ऑफ फर्नीचर का ही है, 101% उसी का ही है। अब फर्नीचर यहाँ पे मुझे गिवन नहीं था, नहीं तो मैं फर्नीचर से माइनस कर देता, कोई एसेट मुझे फर्नीचर का गिवन नहीं था। अब जाहिर सी बात है फर्नीचर अगर मुझे गिवन नहीं था कि मैंने यहाँ पे कोई पेमेंट की है फर्नीचर की, क्योंकि लिसिट पेमेंट में तो कैश का ही गिवन होता, तो इट मीन्स मैंने क्रेडिट पे परचेस किया होगा और वो हमने बेचा है। तो यहाँ पे एक और चीज़ जुड़ सकती है, क्या? क्रेडिटर फॉर फर्नीचर, और ये 2000 की वैल्यू जो बेची थी ना, ये 2000 की वैल्यू वहाँ से आई। अब आपकी बैलेंस शीट मैच हो सकती है, क्योंकि फर्नीचर कोई था ही नहीं उसकी पेमेंट मेरे पास रिसिट एंड पेमेंट में, उसमें तो कैश की चीज़ें रिकॉर्ड होती है ना, और अगर कैश में फर्नीचर नहीं है तो इट मीन्स मैंने क्रेडिट पर परचेस किया होगा। तो 2000 पे जो वैल्यू मैंने बेची थी वो मैंने अज्यूम कर ली क्या थी कि मैंने उधार पे खरीदा है, तो क्रेडिट और फॉर फर्नीचर आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से फंस सकते हो, तो यहाँ से ऐसे दिमाग दौड़ा लेना, इस तरीके को क्वेश्चन एनपीयू में आते हैं। अब अगर आप बैलेंस शीट मैच करोगे तो आपका यहाँ पे 51,900 आ जाएगा, और एसेट साइड भी आपका 51,900 आ जाएगा, और आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ठीक है भाई, ये जो 2000 रुपये का डिफरेंस है यहाँ से कट सकता है। ठीक है भाई, बाकी सब हमारा ठीक था, यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्योंकि निकाला वही हमारा ठीक बन रहा है, दो ही का डिफरेंस आ रहा है और वो दो का डिफरेंस यहाँ से आ जाएगा, और इसका कॉन्सेप्ट ये है जो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, 10 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हमारा जो है सेक्शन बी होगा, जो कि हमारी बुक नंबर 3rd से 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।